<coughs> नमस्कार साथियों नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी टू पॉइंट ऊपर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके अंदर काफी ज्यादा विचलित होने की स्थिति पैदा होगी आप अपने आप को हो सकता है थोड़ा परेशान भी पाए लेकिन ये जरूरी है कि आपको थोड़ा अपना इतिहास पता हो एक बहुत अच्छी पंक्ति है कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को उसका इतिहास पता होता है कि हम कहाँ से शुरू किए हैं तो हम भविष्य को लेकर के कभी गलतियां नहीं दोहराता है यदि उसको भविष्य का अंदाजा ही मतलब पास्ट का इतिहास अंदाजा ही नहीं है तो वो भविष्य के बारे में कोई भी गलत फैसले ले सकता है इसी क्रम में आज का सेशन आपको सुनना चाहिए और क्रम क्या है हाल ही में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है एक मतलब जर्नल के अंदर और उस रिसर्च में यह कहा गया है कि सिर्फ 40 साल के अंदर 10 करोड़ भारतीयों की मौत हुई थी जब ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया में था आप इससे जरा अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो मात्र 40 साल के अंदर 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी ऐसा डेटा दिया गया है ऐसी रिपोर्ट निकाली गई है अब ये रिपोर्ट किस आधार पर निकाली गई कौन निकालने वाले हैं ये सारी बातें आपको बताएंगे इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल कर आता है और वो ये है कि इस रिसर्च में ये दावा किया गया है हालांकि उस विषय के ऊपर पहले भी चर्चाएं हुई है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने ब्रिटिशर्स की मृत्यु हुई थी या कैजुअल्टी हुई थी उससे छह गुना ज्यादा भारतीयों की कैजुअल्टी हुई थी जरा आप ध्यान से सुनिएगा कितना टाइम्स ज्यादा कहां पर हुई थी भारत के बंगाल में आप पूछेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंगाल में कब हुआ जी हां साथियों बड़ा सवाल है क्योंकि बंगाल से जितना भी उनका खाद्य राशन पदार्थ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों ने ले लिया था ताकि उनके सैनिक लड़ते रहे और इधर भूख से लोग मरते रहे यह चर्चिल का फैसला था जिसके चलते लगभग तीन मिलियन भारतीयों की विशेष रूप से बंगाल में रह रहे भारतीयों की मौत हुई थी आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं यानी ब्रिटिशर्स जो अपने राज को लेकर के कभी गौरव का भाव दिखाते हैं कि हमारा उपनिवेश काल प्राउड का विषय है उस प्राउड की आज चर्चा की जानी है आइए हम आपको बताते हैं आपके सामने कुछ सुर्खियां 100 in 40, 40 साल का ही डेटा इसके अंदर दिया गया है बाकी जितने साल तक हुआ वो तो सब आप साइड में हटा दीजिए केवल 40 साल और वो भी चालीस साल शुरुआती 40 साल जब से और सोचिए सोच के देखिए डेटा भी जो लिया गया है उस डेटा में ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों को ही लिया गया है आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिशर्स के जो के जो आंकड़े खुद बनाए हुए हैं उनको कंपाइल करके ये जानकारी बाहर निकाली गई है तो आपकी इस जानकारी के पीछे दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं इनमें से एक का नाम है डायलन सोलेवान और दूसरे हैं जैसोन हाइकल दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं डायलन हाँ सोलेवान और जैकन हाइकल जो है ये एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर कहां पर यह जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर इन दोनों ने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया इन्होंने 1880 से लेकर 1920 के आंकड़े एकत्रित किए और इन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद और उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से इंडियंस को जितनी मौतों का सामना करना पड़ा वो सारी मौतें यदि सोवियत यूनियन के अंदर हुई सारी मौतों को मिला दिया जाए चाइना में हुई जो माओवाद के दौरान चाइना था उनकी मौतों को मिला दिया जाए नॉर्थ कोरिया की मौत मिला दी जाए सबको मिला दिया जाए उससे ज्यादा मौतें अकेली इंडिया में हुई थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का शासन भारत में कैसा था समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इतिहास के अंदर आ हुआ होगा क्यों क्योंकि आज जब हम हमारे दो साल पहले के कोरोना को ही दो साल भी पूरे नहीं है साहब 2019 में आया था 21 तक तड़पाया था एक साल पहले के कोरोना को लेकर के भी ऐसे सोचते हैं ना जाने कब हुआ था जब एक बार सोचने बैठते हैं जब देखने लगते हैं कि यार किस तरह से लोग बिल्कुल पंखड़ियों की तरह गिर रहे थे आज हम उसको भी जब इतना कैजुअली ले लेते ले हैं हमको अपने बारे में अगर कोई ये कह दे कि साहब इन चीज़ों से थोड़ा बच के चलें तो हम बुरा मान जाते हैं सोच कर देखिए कि इतिहास में हमारे ऊपर इन मौतों की बातें क्या असर डालेंगी यानी कि हम किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे ये आपके ऊपर है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा वो भविष्य भी अपना नहीं बना पाता और यही कारण है कि इतिहास पर भी रिसर्च होती हैं और उन्हीं रिसर्च को ध्यान में रखते हुए ये डेटा निकल कर आए हैं इससे अंदाजा लगाइए जितना तीन उस समय के सबसे बड़े देशों में कुल मौतें थी उससे ज्यादा डेथ इंडिया में अकेले थी ये डेटा आपको इन तस्वीरों के माध्यम से शायद कुछ याद दिलाए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भूख से पीड़ित भारतीयों की तस्वीरें हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन छोड़िए एक वक्त के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं होता था आप इनकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये उस समय की फोटो हैं जिस समय भारतीयों के साथ क्या होता था अंग्रेज किस तरह से अपनी सामान को लाद कर ले जाते थे किस तरह से भारतीयों पर जुल्म जुल्महाये जाते थे हालांकि इतिहास में इस पर काफी चर्चा फिल्मों के माध्यम से हुई है लेकिन फिर भी जब डेटा निकल कर आता है तो एक बार के लिए आपका मन करता है कि यार ये था क्या आपको मालूम होगा ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया जाता का, किया था कहा जाता है कि उस दौरान अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी थी इसकी थोड़ा मतलब समझिए देखिए 45 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है मैं आपको इस तरह से समझाऊं भारत की वर्तमान जीडीपी इस समय की जो जीडीपी है ना वो तीन पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है कितने साल बाद आजादी के 75 साल बाद और इंडिया उसके बावजूद दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है विचार करिए कि अगर तीन का भी आज का रेशो लिया जाए तो पंद्रह साल की जो हमारी जीडीपी है इतनी यानी आज के समाज जमाने की उससे ज्यादा करेंसी उससे ज्यादा मनी तो ये लूटकर हमसे 200 साल के राज में चले गए यानी इनके 200 साल में इन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर हमसे लूटे थे और यह बात हमने उठाई भी है कि ब्रिटिशर्स ने 45 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से लूटे थे कब लूटे थे जयशंकर साहब ने 2019 के अंदर इस बात को उजागर किया था कि हम लोगों ने जो विदेशी दास्ता से ही है उसकी वैल्यू अगर आज के पैसे में नाप ली जाए तो वो वर्तमान समय में 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर आप सोचिए चाइना पूरा खा जाओ आप दो बार तीन बार अमेरिका पूरा निकल जाओ उतनी संपत्ति हमसे लूटी गई थी ऑस्ट्रेलिया के दो विशेषज्ञों के द्वारा 40 साल साल के दौरान जो भारतीयों का कत्ल हुआ या भारतीयों की मौत हुई इनकी वजह से उसके बारे में जानकारी दी गई है असल में इसके पीछे का बड़ा कारण है कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे नियाल फर्ग्यूसन एम्पायर जिसमें वो लिखते हैं कि हाउ ब्रिटेन मेड दी मॉडर्न वर्ल्ड एंड ब्रूस गिली की किताब है द लास्ट इंपीरियलिस्टिक जैसी कई विवादित किताबें हैं वर्तमान के अंदर उसमें क्या होता है ये लोग अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने लगते हैं जैसे आज का भी वर्तमान काल जब इंडियंस को कुछ पढ़ने के लिए देता है यानी आज का जो मैकाले शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से जब हमें शिक्षा दी जाती है तो क्या कहा जाता है कि इंडिया के अंदर तो संसद तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है जहां तुम लोग बैठ के बात करते हो भारत का जो कानून है भारत का जो संविधान है वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ है लगभग 1935 का ही वो एक्ट है जिसका पचहत्तर परसेंट तक हिस्सा हम लोग यूज करते हैं हम लोगों को कहा जाता है कि कोई भी नई इमारत आप लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं बनाई जो सब कुछ है चाहे रेलवे है चाहे टेलीफोन है ये सब ब्रिटिशर्स का दिया है ये सब चीजें जब हमारे जहन में डाली जाती हैं, तो हमारे मन में क्या आता है यार ब्रिटिशर्स ही अच्छे थे बस ये बात दूसरी है जैसे हम ये लाइन बोलेंगे तो कोई हमें देश के खिलाफत करने के कारण देश विरोधी कह देगा देशद्रोही कह देगा तो दबे शब्दों में हम अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर जब चर्चाएं करते होते हैं तब कहते हैं, यार थे तो ब्रिटिशर्स हमने क्या कर लिया यार बहुत सही है आपने क्या कर लिया क्योंकि आपको मरे हुए डेड बॉडीज दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तो दफन है या जला दिए गए हैं क्योंकि आपको यह दर्शाई नहीं देता दिखाई नहीं देता इमारतें जो है ना इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी सरकारें अपने द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनाने पर बिलीव करती हैं चाहे आप कोई सा भी मॉन्यूमेंट उठा के देख लें बड़ी बड़ी विरासत के रूप में बड़े बड़े राजाओं को इतिहास को उठाकर देखें चाहे राजकाज कैसा भी रहा हो आप मुगल्स को उठा के देख लीजिए ये जो बड़े बड़े महल आपको दिखाई पड़ते हैं चाहे लाल किला उठाकर देख लीजिए चाहे आप -फोर्ट जो आ, आगरा का किला है वो उठाकर देख लीजिए ताजमहल उठाकर देख लीजिए इनको देखकर फीलिंग क्या आती है यार पता नहीं कितने अच्छे लोग रहे होंगे इनके समय में कितनी प्रॉस्पेरिटी होगी ना जाने कितने ही लोगों के खून से ये बिल्डिंगों को रंगा गया है मतलब समझ रहे हैं आप क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी गलती है ना वो ये है कि वो थोड़ा तर्कशील होना चाहता है लेकिन तर्क के नाम पर इमारतें तो बच जाती हैं इंसान नहीं बचता दूसरी बात लिटरेचर की है जब आपको मूल शिक्षा से ही दूर रखा जाएगा तो आपको लिटरेचर कैसे प्राप्त होगा ब्रिटिशर्स ने जो शिक्षा भी दी हमें वो अपनी ही पद्धति से दी इंग्लिश माध्यम से दी मैकाले शिक्षा पद्धति हमको जो ऑरिएटल एजुकेशन है जो हम हमारी अपनी शिक्षा पद्धति है उसमें उतरने ही नहीं दिया और आज हमारे मन में यह स्वीकार हो चुका है कि अगर आईएस भी बनना है तो हमको पढ़ना वही सब कुछ है जो उनके बताए हुए तरीके से है और आईएस भी अल्टीमेटली उन्हीं की देन है तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इतिहास में काश डेड बॉडी और दफन बॉडी जो है ना वो भी बोलती तो शायद आपको पता चलता कि उपनिवेश कितना खराब था कारण देखिए इसी प्रकार की घटनाएं गट, ये जो नियाल फर्ग्यूशन एम्पायर नाम से पुस्तक लिखी कि जिसमें हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड कि आज के वर्तमान इतिहास को ब्रिटेन ने कैसे बना ये फक्र है टाइप की बात है कि हमें फक्र है इस बात पर कि हमने ऐसा वर्ड बनाया ऐसा वर्ड बनाया इस बात को लेकर के यूरोप में वर्ष 2020 के अंदर एक सर्वे कराया गया आप सोचकर देखिए क्यों क्योंकि आपके मन में आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मन में एक पर्टिकुलर इमेज महाराणा प्रताप शिवाजी या फिर महात्मा गांधी या नेहरू जी या पटेल साहब इन सबके बारे में क्यों है भाई क्योंकि आपको इतिहास की पुस्तकों में वो पढ़ाया गया है ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं जिनके बारे में या तो गलत पढ़ाया गया या पढ़ाया ही नहीं गया और उनकी कहानी आज आपको क्या लगता है जब हम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी उठाकर देखते हैं और पीछे झांकते हैं तो क्या आठ दस लोग जिनको इतिहास में हम पढ़ते करते आ रहे हैं उन्हीं की चर्चा होना ठीक है या फिर जो करोड़ों लोग जो विदेशी रिसर्च करके बोल रहे हैं कि सौ करोड़ लोगों की जाने गई विचार करके देखिए जो अनसंग लोग हैं क्योंकि उन्हें कहीं लिटरेचर में जगह नहीं मिली यही तो है आपको जो पढ़ाया जाता है आप वो जो सुनाया जाता है वही आपके जहन में बस जाता है कि सत्य यही है और झूठ को भी अगर दस बार कह दिया जाए तो वो सत्य होने लगता है Here, आप देखिए यूरोपियन गवर्नमेंट्स के द्वारा एक पोल कराया गया और पूछा गया कि आपको अपने उपनिवेश काल के ऊपर गर्व है अथवा नहीं जब यह जानकारी उनसे पूछी गई कि आपको कितना गर्व है तो उस विषय के ऊपर उनसे पूछा गया पूछा गया तो इनसे कहा गया कि हां भाई बताइए कि आपको कितना अपने ऊपर गर्व है एक मिनट तो आप एक आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नीदरलैंड की 50 परसेंट आबादी तो ऐसी है जिसको अपने होने पर गर्व है आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि इनको अपने होने पर गर्व है यार, कुछ इश्यूज आ रहे हैं नीदरलैंड की 50 परसेंट आबादी जिन्हें किस बात पर गर्व है कि हमने उपनिवेश काल के दौरान काम किया था आप यूके की 32 परसेंट आबादी को देखें इन्हें गर्व है कि हमने लोगों को गुलाम रखा था ये नंबर कहां से आ रहे हैं आपको यदि शर्म ही नहीं है कि कितने लोग आपकी वजह से मरे पता है आपको चर्चिल नाम का एक व्यक्ति इनका प्रधानमंत्री हुआ था लेट की बात बता रहा हूं जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड उसका निर्णय कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं उनके लिए खाने की आवश्यकता है तो एक काम करिए बंगाल में जो अनाज पैदा हुआ है उसे यहां ले आइए एक डिसीजन जिसने सेना को उस समय के ब्रिटिश काल को कहा कि यहां से उठाइए भोजन वहां ले जाइए भूख से तीन मिलियन लोग मारे गए फेमाइन से तीन मिलियन लोग इतने ब्रिटेन के एक बटे छह हिस्सा ब्रिटेन की कुल कैजुअलिटी थी जो पूरे वर्ल्ड वॉर की थी हल्का नंबर नहीं है बट अगेन हमारे सामने फिगर्स नहीं आते नहीं आते तो हमें लगता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है क्यों क्योंकि संविधान लाइनें लिखी हुई हैं हमें लगता है वाह क्या दिमाग लगाया होगा इन्होंने इमारतें हमारे सामने बनी हुई हैं वाह कितने अच्छे थे ये लोग सड़कें रेल लाइन टेलीफोन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन जो जनता के साथ हुआ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि उनका कहीं लेखा जोखा नहीं है तो आप यहां पर आंकड़े उठाकर देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार का रिएक्शन दिया करते थे ब्रिटिश राज भारत में 1858 से 1947 तक रहा। हा। पहले में ब्रिटिश राज से पहले, पहले कंपनी का शासन था कंपनी के शासन का जब विरोध हुआ तब उस विरोध के एवज में दो अगस्त अठारह को ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया यानी कंपनी अपनी से भारत सरकार के मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जो हम गए वो अट्ठावन में ब्रिटेन के अधीन हो गए थे उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला करते थे तो प्लासी से लेकर यहां तक हमारे जो हालात थे वो मैंने आपको बताया अब यहां पर इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन ने शोध में क्या जानकारी निकाली मैं वो बताता हूं इनका कहना है कि अगर हम ये पकड़ लें किस प्रकार से इन्होंने आंकड़े जुटाए मैं आपको वो बताता हूं कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अत्यधिक गरीबी 1810 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 20वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कि 1950 तक 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान मजदूरी में भारी गिरावट आई थी और इस वजह से जो है ना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर हमारी गरीबी पहुंच गई थी उपनिवेश भारतीय लोगों के लाभ पहुंचाने की बात तो दूर हटाइए जो हमारे साथ हुआ उन तथ्यों को आप एक बार के लिए पहचान कर देखिए उपनिवेश काल की जनगणना का जो आंकड़ा रखना शुरू किया ना जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जनगणना शुरू की थी मृत्यु दर के बारे में अगर आंकड़ा ब्रिटिशर्स की कही हुई बात को लेकर के मान लिया जाए इधर देखिए आंकड़े उठाते हैं अठारह के अंदर प्रति एक लोगों में से सैंतीस लोगों की मौत हो जाती थी कितने एक हजार में से सैतीस यह मृत्यु दर थी हमारी 1910 के अंदर यह बढ़कर चम्बालीस पहुंच गई थी मतलब आप उम्र में बढ़ रहे हैं यानी कि शासन बढ़ रहा है अभी सरकारों में क्या होता है जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ती मृत्यु दर कम हो इस पर कार्य करती हैं ठीक है आप अंदाजा लगाइए 1910 में यह चम्वालीस तक पहुंच गई थी और उस समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा एक औसत भारतीय कितने उम्र जीता था सोचकर देखिए छब्बीस दशमलव सात वर्ष जो जीने की उसकी औसत उम्र थी वो घट करके इक्कीस दशमलव नौ रह गई थी अंदाजा लगा रहे हैं इस बात का यानी आप पैदा हुए औसत भारतीय इक्कीस साल की उम्र में मर रहा है कैसा नंबर है आप विचार करके देखें ऐसा नंबर जो आपको यह सोचने पर विवश कर देता है कि क्या 21 साल ही जीता था आदमी जी हां इतनी बुरी स्थिति अगर आप आंकड़ों को जोड़ दें ये यही वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रेफरल है जिसमें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और कैपिटलिज्म के बारे में बात की गई और उन्होंने इसी वर्ल्ड डेवलपमेंट नामक जर्नल में यह बात प्रकाशित की है और कहा है कि यदि ब्रिटिशर्स के ही आंकड़े जोड़ दिए जाए तो ये आंकड़े पचास मिलियन के हैं साल चालीस साल हैं चालीस साल में जनसंख्या के हिसाब से एक हजार में से चम्बालिस व्यक्ति मर रहा है इन आंकड़ों को जोड़ दिया जाए ना तो पचास मिलियन लोग मरते हैं करोड़ लोग तो ब्रिटिशर्स के आंकड़े से पता चलते हैं कि मर गए। ये वो आंकड़े आंकड़े हैं हैं जो जो ब्रिटिशर्स ने इकट्ठे किए। उसके अलावा जो हैं, अगर आप वो भी जोड़ेंगे ना तो आपका यह आंकड़ा सौ करोड़ पार होता है आप इससे अंदाजा लगाइए आपके सामने आंकड़े हैं बोले इंडिया के अंदर जो डेथ रेट थी आप उससे अच्छा आपको लगेगा अरे साहब गरीब आदमी होंगे हम उस समय रुकिए जरा आपका वो भी भ्रम दूर करेंगे हम कितने गरीब थे सोलवी सतरवीं सत्रवीं शताब्दी के अंदर एक हजार में से सत्ताईस दशमलव अठारह लोगों की मौत हो रही थी आप इन आंकड़ों को अगर जोड़ दें तो एक सौ पैंसठ मिलियन डेथ हुई है इंडिया के अंदर ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार ये सब चीजें मिला दी जाए तो सोवियत यूनियन चाइना नॉर्थ कोरिया कंबोडिया इन सबकी जो संयुक्त मौत है उनसे ऊपर यह आंकड़ा निकल करके आता है समझ रहे हैं ये सारे दुनिया के जो बड़े बड़े फैमाइन इनमें जितने लोग मरे उन सबको कंबाइंड कर दो उससे ज्यादा भारतीय लोग मरे थे इंडियन फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने क्या हमारे हाल किए अब उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमें लगता है हो सकता है सर सब तब उस समय इतना ही जीते होंगे आइए मैं आपको बताता हूं प्लासी से भारत में एंट्री हुई थी किनकी ब्रिटिशर्स की अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं इस सदी में आप जब 2022 में चल रहे हैं तो ऐसे कभी एक वर्ष एक भी आया होगा दो भी आया होगा पांच भी आया होगा सौ भी आया होगा पांच सौ भी आया होगा हजार भी आया होगा एक से लेकर के सन सत्रह सो तक आज आप 2022 में हैं यानी आज से 500 साल पहले तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25 परसेंट प्रोडक्शन इंडिया में होता था प्लासी में ये जनाब पहुंचे थे सत्रह में वर्ष 1700 तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25 परसेंट इंडिया में प्रोड्यूस होता था ये आंकड़ा है आप इस आंकड़े को देख सकते हैं हमारे यहां का कुल प्रोडक्शन जो है वो 25 परसेंट वर्ल्ड की जीडीपी का यानी इंडिया अकेला दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई पैदा करता था और जब अंग्रेज गए तो हमें कहां छोड़कर गए दो परसेंट पर हम जब चार मतलब 1950 की बात करते हैं तो हम चार पॉइंट दो पचास दो, दो फीसदी पर थे सत्रह में हम चौबीस हमारी जीडीपी का रखते थे वर्ल्ड जीडीपी का 25 परसेंट इकलौता भारत और 1950 में मात्र चार दशमलव दो फीसदी इतिहास इतना तो आप सबने पढ़ा ही है कि ये सब कैसे करते थे हमारे यहां पर से कच्चा माल ले जाते थे पका माल बना कर देते थे और इंडिया के अंदर ही इंडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचने की परमिशन नहीं दी जाती थी एक और आंकड़ा देखिए हमारे ऊपर कितनी क्रूरताएं रही होंगी इससे अंदाजा लगाकर देखिए वर्ष 1600 से लेकर 1950 तक हमारी जो इनकम है ना 1900 तक देखिए जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय तक देखिए हमारी प्रति व्यक्ति आय एक हजार डॉलर के आसपास ऐसा क्या कर गए भाई हम आजाद होते हैं और आज उठाकर देखिए हम 6000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय से ऊपर निकल जाते हैं यानी कुछ तो थाना साहब यानी आपके उपनिवेशवाद में कुछ तो था अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर एक बात बताइए अब कहने से क्या फायदा ये लोग तो चले गए कहने से क्या फायदा अरे उठाइए इस मुद्दे को सरकारों के सामने उठाइए इस मुद्दे को ब्रिटिशर्स के सामने बोले सर उठाने से क्या होगा युद्ध क्षति मिलेगी अरे क्या बात कर रहे हो ऐसे होता थोड़ी क्या बात कर रहे हो भाई दुनिया में युद्ध क्षति मिलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्हीं यूरोपियंस ने जर्मनी से पैसा मांगा कि तुम्हारे कारण ब्रिटेन को और फ्रांस को जो नुकसान हुआ है उसका पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जर्मनी आज तक चुकाता है भाई तो बोले सर मतलब मतलब ये कि यदि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑल गुड ऑल गुड आल इज वेल आल इज वेल नहीं करना है तो भारत सरकार के पक्ष में यह बात पहलाई जाए भारत सरकार को यह बात बताई जाए कि हम अवेयर हैं इस बात को लेकर किस बात को लेकर हम अवेयर हैं इस बात को लेकर कि जो हमारी युद्ध क्षति है वो हमें मिलनी चाहिए जो घाटा हमारा है पैंतालीस ट्रिलियन डॉलर का उसकी पूर्ति होनी चाहिए क्यों ये इस तरह की हरकतें करते हैं क्यों ये आकर स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि किसी एक भारतीय ने अगर सरक करके ये डिमांड कर ली कि हमें जो तुमने लूटा था वो वापस चाहिए क्या वापस मिलता है क्या उदाहरण दे देता हूं भाई आपको लगता होगा मिलता है कि नहीं मिलता है और जिनको ये किताब पढ़नी है ना ये मधुश्री मुखर्जी की किताब है चर्चिल्स सीक्रेट वॉर जिसमें इंडियंस की तीन मिलियन बिहार मतलब बंगालियों की मौत हुई थी ना वो एक किताब है मधुश्री मुखर्जी की पढ़ लेना उसमें दिया गया है ठीक है तो ये सारी बातें क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बातें मैं आपको स्लाइड में अवेलेबल करा दूंगा इतिहास की ये सब चीजें हम लोग पढ़ते आए कि इंडिया को उनमें मतलब से, उन से ग्रेट बेंगाल फेमाइन सत्रह सो सत्तर में दस मिलियन लोगों की जान ली थी चालीसा फेमाइन सत्रह के अंदर ग्यारह मिलियन लोगों की दोजी बारह फेमाइन ग्यारह मिलियन लोगों की आगरा फेमाइन आठ लाख लोगों की अपर दो आप दो मिलियन मिलियन साहब लोगों की मौत होती थी भूख के मारे क्योंकि थरूर साहब ने एक बार अपना एक दिया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हाँ यार, यार ये बात में तो दम है हमें पैसा मिलना चाहिए चर्चिल पॉलिसी फोर्टी थ्री तो बेंगाल फेमाइन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा कि चर्चिल ने किस तरह से भारत को बर्बाद किया हमारे बारे में कहा जाता है कि जैसे ना ब्रिटिश जर्मन, जर्मन ने होलोकॉस्ट किया था यहूदियों को मारने का, भारतवासियों पर कुछ ऐसा ही हुआ था कोई ऊपर से बॉम्ब गिरे हो ऐसे मारे गए थे हम लोग इतनी सारी डेथ इंडिया में हुई थी और जो बात करी ना मैंने कि किस तरह से पैसा मिलता है आप इधर देख सकते जर्मनी एग्री टू पे एक साल पुरानी है नामीबिया को 1.1 बिलियन यूरो ओवर हिस्टोरियन हेरोरा नागा जेनोसाइड खुद की गलतियां स्वीकार करके जर्मनी ने इसको पैसा देने की बात स्वीकार की है। है। साल पुरानी बात साउथ अफ्रीका को प्रति व्यक्ति उनतालीस डॉलर देने की बात हुई है यानी पैसा मिलता है जर्मनी रिजेक्ट पोलैंड अब पोलैंड डिमांड कर रहा है कि तुम्हारी वजह से 1.3 ट्रिलियन यूरो का हमें नुकसान हुआ जर्मनी मना कर रहा है लेकिन डिमांड तो उठाओ पोलैंड ने डिमांड उठाई कि हमें वॉर टू के अंदर क्षतिपूर्ति चाहिए जर्मनी से अब कब उठाई वर्ष 2022 की न्यूज़ है ये जापान वालों से कि इनके चलते हमारे इतने लोग मरे थे कंपनसेशन दो यही बात शशि थरूर जी ने भी की थी कांग्रेस के बहुत ही जबरदस्त वक्ता और नेता हैं चर्चिल मच ब्लड ऑन हिज हैंड एज हिटलर हिटलर से ज्यादा खून से रंगे हैं चर्चिल के हाथ 4.3 मिलियन पीपल मरे थे बंगाल के अंदर क्योंकि उसने जो डिसीजन लिया था क्या डिसीजन कि वर्ल्ड वॉर के दौरान खाना बंगाल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिपाहियों को भेज दो लोग मरते हैं तो मरने दो इसी बाद में इसके इनके भाषण के बाद में 2015 में मोदी जी ने भी भाषण को तो प्रेज कर दिया कि बहुत बढ़िया भाषण दिया लेकिन क्या हमको डैमेज मिलेगा क्या हमें क्षतिपूर्ति दी जाएगी ब्रिटिश पीएम ने खुद ने रिग्रेट किया कि वो बड़ा शेमफुल शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमने इंडियंस के साथ कैसा किया वर्ष 2013 के तेरह की न्यूज कैमरून प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वीकार किया कि सर हमको शर्मिंदा है यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बहुत सारे लोगों ने माफी मंगवाने की कोशिश भी की अमृतसर के अंदर जो इन्होंने जलिया हत्याकांड किया उसके ऊपर आज तक कोई ऑफिशियल माफीनामा नहीं आया है ये सब चीजें आपको याद दिलाने की है जीवंत रहिए व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी बातें रह जाती हैं कुछ इतिहासकार इस काम को बहुत बढ़िया से कर देते हैं फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें अपने सभी साथियों के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें यूज माई रेफरल कोड अंकित टेन टू अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी के थ्रू जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑनलाइन एडुकेटर्स अन अकेडमी के पास तैयारी करा रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं और बाई यूजिंग माई रेफरल कोड आप उनके कोर्सेज पर टेन परसेंट का अधिक डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यूपीएससी के प्रम्स को ध्यान में रखते हुए दिसंबर एक से एक नया बैच शुरू हुआ है आप उसे ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं

हजार तीन सौ रुपए प्रति माह की किस्तों के ऊपर कोर्स परचेज कर सकते हैं आपका समय शुभ हो धन्यवाद